हेलो। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नॉन फेरस मेटल सेक्टर का स्टॉक लेकर के आ गए हैं आपके सामने। और ये स्टॉक एनएससी बेसिस में लिस्टेड है। मार्केट कैप है 3476 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 504 रुपये, हाई लगा चुका 540 रुपये और लो है 231 रुपये। स्टॉक पी है 19.5, बुक वैल्यू 67 और डिविडेंड कंपनी डिविडेंड एल पे 0.62%। ROC है 31%, ROE है 42%, फेस वैल्यू 2 रुपये की है। प्रमोटर के पास 73% की होल्डिंग है और डेप्ट इक्विटी रिसीव 0.65, एनुअल प्रॉफिट 148 करोड़ का और डेप्ट है कंपनी के पास 302 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी है 42%, इंडस्ट्री पी है 21 और EPS से 25 रुपये की। फ्री कैश फ्लो 60 माइनस में है। प्लज परसेंटेज बिल्कुल 0 है, यानी कंपनी के प्रमोटर की तरफ से 1% की होल्डिंग गिरवी नहीं रखी गई है। अगर हम लोग प्रोस की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू कीप गुड क्वार्टर। कंपनी से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी अच्छा रिजल्ट, और कंपनी है डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 33.2% सीएजर ऑफ लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी आर यूटी रिकॉर्ड 30% और कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ इज 22% लास्ट 10 ईयर। तो नॉन फेरियस मेटल सेक्टर का स्टॉक है। माइनिंग मिनरल मेटल इन सब चीज़ों में ये स्टॉक काम करती है। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, दिसंबर वाले क्वार्टर में 69 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, जो कि अभी तक के सारे क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है दिसंबर वाले क्वार्टर में। यानी ये बोल के चल सकते हैं कि कंपनी के पास अच्छे खासे क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। सितंबर वाले क्वार्टर में 59 करोड़ का आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जून वाले में 16 और मार्च वाले में 70 करोड़ का। तो 70 भी सबसे हाईएस्ट है, तो मार्च वाला क्वार्टर का सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। अगर नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करें, नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास 50 करोड़ का दिसंबर वाले क्वार्टर में, सितंबर में 45, जून में 45 और मार्च में 46 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास। अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेस पे, तो TTM में 213 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी के पास। 2022 में 217, 2021 में 121 और 2020 में 102 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो 186 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को TTM में 2022 में 48 और 2021 में 57, 2020 में 37 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं ईयरली भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखला रहा है ये स्टॉक। डिविडेंड भी कंपनी आपको पे आउट करती रहती है, तो 2022 में 15% का कंपनी डिविडेंड पे आउट की है, 2021 में 14, 2020 में 15, तो 36, 29, 26 इसी के अंडर में कंपनी डिविडेंड पे आउट करती रहती है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, 10 साल में 23% है, 5 साल में 28%, 3 साल में 21%, TTM में 37%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 10 साल में 24%, 5 साल में 33%, 3 साल में 109%, TTM में 50%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें, 10 साल में 29%, 5 साल में 23%, 3 साल में 137%, 1 साल में 63%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 10 साल में 23%, 5 साल में 26%, 3 साल में 31%, लास्ट ईयर 43% है। बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें, तो बैलेंस शीट कंपनी की देख सकते हो, बोरोइंग कंपनी का 302 करोड़ है, यानी पहले की अपेक्षा कंपनी ने अपनी कर्ज को कम किया है। पहले 391 करोड़ का हुआ करता था मार्च 2022 वाले क्वार्टर में, सितंबर 2022 वाले क्वार्टर में 302 करोड़ का है। और कंपनी के पास रिजर्व बहुत ही शानदार है 452 करोड़ का। इनका रिजर्व आपको दिखेगा कि हर साल ये अपनी रिजर्व को इनक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। और कंपनी के पास कैश फ्लो है 10 करोड़ का, नेट कैश फ्लो है 12 करोड़ का। तो हम लोग देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न,
73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास, पहले 72.51% की होल्डिंग हुआ करती थी, बट अभी प्रमोटर के पास 73% की होल्डिंग है और FIIS वालों के पास सिर्फ 0.89% की होल्डिंग हुआ करती थी, अभी 3.38% की होल्डिंग है। यानी FIIS फॉरेन इंस्टीट्यूशनल वालों ने अपनी होल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल वालों ने अपनी होल्डिंग इनक्रीज कर ली है, 3.48 कर ली है। DIIS के पास 0.21% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास देखा जाए तो 21% की होल्डिंग है। पब्लिक अंडर में भी 2.08% की होल्डिंग है। यूनिफाई एफ टू के पास, दोस्तों स्टॉक का नाम बताने से पहले बता दें, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस स्टॉक का नाम है ग्रैविटा इंडिया लिमिटेड। तो इसके ऊपर हमने आप इस वीडियो से पहले भी वीडियो बना चुके हैं। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऐसी कंपनी को 5-10 साल के लिए होल्ड भी किया जा सकता है, लेकिन अगर जो भी स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, टाइम टू टाइम आप उस स्टॉक के फंडामेंटल चेक करते रहें, ठीक है। ग्रैविटा इंडिया लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर इन इंडिया। द कंपनी बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द स्पेशलाइज वर्क वर्टिकल, लीड रिसाइकलिंग, फ्लेक्सिव और एल्युमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड ट्रंकी प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हो कि रिसाइकलिंग के मामले में ये स्टॉक अच्छा काम करती है और द कंपनी आल्सो हैज एक्सपर्टीज इन द रिसाइकलिंग ऑफ यूज बैटरी, केबल स्क्रैप, अदर लीड स्क्रैप, एल्युमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप। तो आने वाले टाइम में बहुत हाई डिमांड होने वाला है, क्योंकि अभी ईवी सेक्टर का टाइम चल रहा है, ठीक है। अभी ईवी सेक्टर ग्रो करना स्टार्ट हुआ है, आज जब ईवी सेक्टर ग्रो कर लेगा तो जैसे जैसे ईवी सेक्टर ग्रो करेगा वैसे वैसे इस स्टॉक का डिमांड और हाई होगा, और ये जो आपको स्टॉक प्राइस 504 दिख रहा है ना, यहाँ नहीं मिलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ अब जा करके बाई कर लीजिए, बिल्कुल ये गलत काम है। और दोस्तों एक बात और बोलना चाहूँगा मैं कि किसी भी स्टॉक में क्या होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, प्लान बना रहे हो कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँ 10 साल 5 साल के लिए, तो आपको ना रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए एंट्री करना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आपके पोर्टफोलियो यानी आपके अकाउंट के अंदर, डीमैट अकाउंट के अंदर इस स्टॉक या मतलब जो भी आपने स्टॉक के अंदर पैसा डाला है, अगर प्रॉफिट आ रहा तो ज़रूर यार प्रॉफिट बुक कीजिए। कैसे काम काज करना चाहिए, किसी अच्छे फंडामेंटल हो या ख़राब फंडामेंटल हो, देखिए जब हाई हो जाए स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न बना दे 100%, जैसे मान लीजिए मिनिमम 100% का रिटर्न कंपनी बना दी है, तो हम क्या करेंगे, ओ सारा 100-200% का रिटर्न बना दी है, 100% का मिनिमम मान के चलिए रिटर्न बनाई कंपनी ने, तो अपना कैपिटल हम लोग अपना निकाल लेंगे। कैपिटल निकाल लेंगे, अब उस कैपिटल को रख लेंगे या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, तो उस स्टॉक के अंदर हम अच्छे स्टॉक के अंदर ये कैपिटल लगा सकते हैं और प्रॉफिट को छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मैंने बोला 5-10 साल के लिए छोड़ सकते हैं। अब इस जो प्रॉफिट बचा हुआ आपका, अगर फंडामेंटल चेक नहीं करेंगे आप, फिर भी चल जाएगा काम। अब ऐसा करने से देखो दो फायदे हुए, पहला आप रिस्क फ्री हो गए, आपको ये नहीं है कि यार फंडामेंटल ख़राब हुआ या फ्यूचर में कुछ हुआ, कंपनी बंद हो रही तो मुझे कुछ वैसा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि आप तो अपना कैपिटल निकाल चुके हैं। और अगर आप इस कैपिटल को कहीं और लगा दिए तो आपका बिजनेस जैसे नहीं करते तो डाइवर्सिफाई हो गया, मतलब आपका बिजनेस कई भाग में बट गया, तो जिससे आपको लॉस होने का चांस भी कम ही रहता है। तो डेफिनेटली लोग प्रॉफिट देख जब होता है स्टॉक तो देखते हैं पोर्टफोलियो के अंदर अच्छा लगता है और प्रॉफिट नहीं बुकिंग करते हैं, फिर निफ्टी
सेंसेक्स या यूएस मार्केट करेक्शन दिखलाने लगती है, इस दौरान अच्छे जो स्टॉक होते हैं उनमें भी करेक्शन आती है और उनकी जो प्रॉफिट होती है वो लॉस में कन्वर्ट होने लगती है, प्रॉफिट ख़त्म होने लगती है। तो लगता है फिर इंसान को कि यार मुझे ना ये स्टॉक ख़राब है, ये है वो है, फिर अपने लॉस को लेकर के कट आउट होकर बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ ठीक है कि आप किसी भी रिस्क में ना फंसे। तो आ चुके हम लोग चार्ट पैटर्न के पास और देख सकते हैं 2017 में ये स्टॉक कहीं 20-23 रुपए की प्राइस में हुआ करती थी। अगर हम लोग 2017 से इनका रिटर्न और देखें 2016 से, तो 22 रुपए की प्राइस मिला करती थी और आज के डेट में इस स्टॉक ने हमें 2300% का रिटर्न बना करके दे दिया। हम मतलब हमारे पैसे को 30 गुना बना करके दिया है। अगर 1 लाख लगाए होते तो करोड़पति बन गए होते ठीक है, बट ऐसा भी नहीं करना आपको कि हाँ यार और कोई अच्छा स्टॉक मिला है और उसने 1-2 लाख लगा के छोड़ दे, बिल्कुल ये गलत काम है। अब अपने हिसाब से पैसा लगाओ, ये नहीं कि मेरा औकात है साला 10,000 का और मेरे अकाउंट में 1 लाख बैलेंस रखा हुआ पहले से, उस बैलेंस को उठा करके किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक अंदर डाल दे। तो ऐसे करने से भी आप घाटे में फंस सकते हो, मतलब बहुत बड़े लॉस में फंस सकते हो, जिससे आप बहुत सारे लोग ऐसे करके पछताते हैं कि भैया लॉस हो गया अब क्या करें, मेरा पैसा सारा सारा एक ही स्टॉक में था। तो अच्छे स्टॉक है तो खैर प्रॉफिट बनाएगा, लेकिन मैक्सिमम लोग लॉस बना करके वहाँ से भाग जाते हैं। देखो अभी बाइंग जोन ये वाला जोन था बाइंग, तो हमने बाई नहीं किया, ये बाय जोन था ये वाला। तो डेफिनेटली ये स्टॉक हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे अगर आ जाए यहाँ पे, डेफिनेटली हम बाय करके चल सकते हैं। वैसे स्टॉक काफ़ी अच्छा भागा है 2021 के बाद, तो थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए। और स्टॉक पी के हिसाब से भी स्टॉक ठीक ही है ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है 19 है पी, स्टॉक पी तो अंडर वैल्यू स्टॉक है, अंडर वैल्यू भी नहीं हो सकते ठीक है, मीडियम है। अगर नीचे के लेवल मिले डेफिनेटली बाई करने की कोशिश कर सकते हैं, और टॉप पे बाई करने का मतलब ये होता कि दोस्तों कुछ क्वान्टिटी यहाँ हम बाई कर लें टॉप पर, अगर इच्छा है मान लीजिए मैं सब नहीं कर पा रहा हूँ तो कुछ क्वान्टिटी यहाँ बाई कर लें। हाँ स्टॉक अंदर करेक्शन आती है इन द फ्यूचर, तो उस करेक्शन के अंदर हम कुछ क्वांटिटी ऐड कर सके तो आप इस पॉइंट पे बाई करके चल सकते हो, क्योंकि क्या होता है बहुत ज़्यादा जो रिटर्न कंपनी बना दी रहती है। अगर हम लोग चेक करें तो 2021 से ये आपको 1100-1200% की रिटर्न कंपनी बना करके दी है, तो ये कम नहीं है, बहुत मायने रखता है ठीक है। फिर करेक्शन होगा तो अगर आप ऊपर के लेवल बाई किए हैं तो कुछ क्वांटिटी यहाँ बाई करके, और जब करेक्शन हो स्टॉक अंदर डेफिनेटली होता है यार, अच्छे अच्छे स्टॉक अंदर करेक्शन होती है बहुत ज़्यादा भागने में, तो उस दौरान आप कुछ क्वांटिटी बाई कर लें ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया ना कि बाई और सेल करने के लिए, अगर आपको एंट्री करनी है तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर के एंट्री कर सकते हैं।